अस्सलाम वालेकुम। जी एन डिजिटल मीडिया में खुश आमदी। निगरान वज़ीर इत्तला'आत और नशरियात मुर्तज़ा सोलंगी का कहना है कि अदालत कहती है नवाज शरीफ को गिरफ्तार करके जेल भेजें तो हुक्म पर अमल करेंगे। मुर्तज़ा सोलंगी ने कहा कि अभी नहीं लगता कि नवाज शरीफ को कोई बड़ा रिलीफ मिलेगा, मुस्तकबिल में क्या होगा इससे मुतल्लिक कुछ कहा नहीं जा सकता। मुर्तज़ा सोलंगी ने कहा कि इंतज़ार करेंगे नवाज शरीफ आने से पहले अपने दिफा के लिए क्या करेंगे। अदालत कहती है नवाज शरीफ को गिरफ्तार करके जेल भेजें तो हुक्म पर अमल किया जाएगा। अगर अदालत इनको गिरफ्तार ना करने का हुक्म देती है तो इस पर भी अमल होगा। इन्होंने कहा कि अदालत के फैसले और कानून के मुताबिक साबिक वजीर आजम की वापसी पर फैसला करेंगे। इनको अदालत ने बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी, वो कोई डील करके गए थे या नहीं इस बारे में नहीं मालूम। निगरान वजीर इत्तला'आत ने कहा कि नहीं मालूम चेयरमैन पीटीआई को टेक्निकल नॉकआउट किया गया या नहीं। चेयरमैन पीटीआई को बाहर हमारी हुकूमत ने नहीं रखा, इनको बाहर रखने का काम पहले से ही शुरू था। इनका कहना था चेयरमैन पीटीआई असेंबली ना छोड़ते तो निगरान वजीर आजम का इंतखाब कोई और करता। मुर्तज़ा सोलंगी ने कहा कि पीटीआई जलसा करना चाहती है तो इन्हें इजाज़त मिलनी चाहिए, अगर इन्हें इजाज़त नहीं मिलती तो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म मौजूद है। इन्होंने कहा कि जलसे की इजाज़त तमाम रजिस्टर्ड सियासी जमातों को होनी चाहिए। जो इदारे मेरे माते है इन पर पीटीआई के जलसे की कवरेज होगी, सरकारी टीवी पर भी जलसा दिखाया जाएगा।